एवरीवन, आगे देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में। कुछ नया प्रश्न लेकर आया हूं मैं। प्रश्न को पहले से ही लिख लिया हूं बोर्ड पे। यहां पे दिया हुआ है कुछ फ्रैक्शन है जो कंटीन्यूअस फ्रैक्शन है, वो देखने में तो आसान लग रहा है, इनको आपको एडिशन जोड़ के रिजल्ट यहां पे बताना है। आपके लिए ये एग्जाम में समय रहेगा मान लो 1 मिनट 2 मिनट का समय रहता है, और बैंक एग्जाम में तो 30-40 सेकंड का समय रहता है, उसमें आपको ये सबको जोड़ना है, आंसर देना है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो देखिए एक तरीका है जो सब जानते हैं इसको हल करने का, कि पहले एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेके एक-एक को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके वैल्यू निकाल के जोड़ेंगे। तो वो जाहिर सी बात है वो तरीका तो हम एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है एलसीएम ले लिए चल जाएगा, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो फिर एलसीएम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है, इतना प्रोसेस करते करते 5-6 मिनट लग जाएगा अपने को। ठीक है, तो देखते हैं इसमें शॉर्ट तरीका क्या है। 1/20 + 1/30 + 1/40 भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन करके देखना है क्या करके देखना है। देखो 1/20 इसको सपोज मैं 1/4 - 1/5 लिखता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 * 20 और ये 5 - 4 ये हो जाएगा 1/20। कहने का मतलब 1/20 को मैं 1/4 - 1/5 लिख सकता हूं, ठीक है, तो यहां लिख दिया मैं 1/4 - 1/5। वैसे ही आगे 1/30 को मैं 1/5 - 1/6 लिख सकता हूँ। जिसको डाउट होगा इसको करके देखेगा कि वापस रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे ही 1/42 को 1/6 - 1/7 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब अब ये इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से लिख दिया, लेकिन लिखने से फायदा ये हो गया कि यहाँ पे +1/5 - 1/5 वैसे ही +1/6 - 1/6 मतलब प्लस माइनस सेम अपना ये वैल्यू है, ये हो जाएगा कैंसल, और लास्ट में बच जाएगा 1/4 - 1/7 ये हो जाएगा 7/28 ले लेते हैं, और ये 7 - 4 = 3/20। ठीक है, ये आसानी से अपन निकाल सकते हैं इसका वैल्यू ऐसे करके। अभी आगे देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। अभी सबके माइंड में अब चलना स्टार्ट हो गया होगा कि इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसमें ऐसा कर सकते हैं करके, तो बिल्कुल इसमें देखते हैं। 1/12 ये हो जाएगा 1/3 - 1/4 कई लोग उल्टा कर देते हैं 1/4 - 1/3 ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप जो भी वैल्यू ले रहे हैं उसको पहले करके देख लेना है वापस वही वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/3 - 1/4 + 1/ ये देखो मैं वही गलती कर रहा था 1/4 - 1/5 + 1/5 - 1/6 + 1/6 - 1/7 तो ऐसी स्थिति में ये सब कैंसिल हो जाएगा, पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट बचेगा 1/3 - 1/7 ये हो जाएगा 7 - 4/20 बन इसका आंसर। इतना बड़ा फ्रैक्शन था, निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा, 10 से 15 सेकंड लगेगा, और मैं समय को कम करता हूँ ये वाले क्वेश्चन में। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे पूरा कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट बचा है, उसके हिसाब से देखें ये वाले में। तो 1/20 के पहला आता है 1/4, ठीक है, माइनस 1/72 तो 8 - 9 = 72 ये 1/9 बाकी पूरे क्या हो जा रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरे के पूरे कैंसिल हो जा रहे हैं। तो वैसे भी इधर के पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9 * 4 = 5/36 - 4 = 5/36 आगे चलते हैं। इसमें है 2/15 + 2/35 + 2/16 ये वाला क्वेश्चन, मैं इतना समझाने के बाद ये वाला क्वेश्चन जब क्लास में देता था हर कोई इसको गलत बनाता था। रीजन
है कि आप जब बिना समझे का बनाने की कोशिश करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बनाने के बाद आपको गलती जब सही बताऊंगा तो समझ आएगा, ठीक है। यदि आप बनाकर देख लिए होंगे तो आगे देखिए, 2/15 को आप गलती कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, 2/3 -2/5 में तोड़ रहे होंगे, गलती कर रहे होंगे तो ऐसा तोड़ रहे होंगे, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है इसको सॉल्व करके देखिए आप, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद 2/15 नहीं मिलता है, ये गलती आप कर रहे होंगे। ये होगा 1/3 -1/5, अरे 2 कहाँ गया, इसको सॉल्व करके देखिए वापस यही मिलता है, क्योंकि जो रहती वो कंफ्यूज करने के लिए है, ऐसा डिजिट चुनके लाया है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसे ही आगे पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1/9 -1/11, ये पूरे के पूरे कैंसिल, लास्ट में बच जाएगा 1/3 -1/11, और 1/3 -1/11 हो जाएगा 33 8 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
ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं आप मान लो 100 क्वेश्चन बना के जाते हैं एग्जाम में, वो एक ही टाइप के, तो मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आप एग्जाम टाइम देंगे, क्योंकि प्रेशर वहां का जो एटमोसफियर है वो अलग वर्क करता है, वो 2 क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल 5 क्वेश्चन बना के चले गए एग्जाम में बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जाएगा क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं इस प्रश्न को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इजिली कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो भिन्न का नियम है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 999 plus 995, ये अपॉन में है 999, फिर से इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और ये बाहर वाला जो 999 है ये वाला, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया इजिली दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 999 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 minus 1 और ये 995, तो 995 रहेगा ही रहेगा। इसको लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 minus 999 plus 995, इन दोनों को कंक्लूजन निकालेंगे तो दिख रहा है ये -4 आएगा और ये पहले वाला लाइन पैसे ही लिख लेते हैं, और इन दोनों को जब घटाएंगे तो 998996 ये होगा अपना आंसर। तो देखेंगे कि कैसे वो इसलिए अपने को आंसर मिल गया है, ज्यादा मल्टीप्लीकेशन, ज्यादा बड़ा मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ा और अपने को आंसर मिल गया। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसा तरीका खोजना है जिसके जरिए आप जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 1/5 है, 1/5 को अलग से बाहर निकाल लिए, प्लस ये 4999 ये हो इनटू 495 और ये 494 है यहाँ पर, फिर नीचे में 495 into 99। अब देखेंगे ये इससे कैंसल होगा, बस ध्यान देना है कितने में कैंसल होगा, तो ध्यान देंगे ये 100 से 1 कम है, ये 500 से 5 कम है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये 5 टाइम्स में कैंसल हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर हिंट है कि ये 5 टाइम्स में कैंसल होने वाला है, ठीक है। 5 अब दोनों का हर समान है तो 5 यहाँ लिख लेते हैं, इस वाले 1 को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो 999 into 495 plus 495 हो गया ये, ठीक है। दोनों में 495 है, बाहर निकाल लेता हूँ, 495 999 plus 1 अपॉन 5, अभी देखे हैं ये 99 से कट रहा था तो फिर से 99 से कैंसिल कर देते हैं, 99 हो गया ये, 99 into ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 99000। देखो कितनी आसानी से इसका भी सॉल्यूशन निकल के सामने आ गया है, जिसमें बड़ा कैलकुलेशन करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ी है। तो अपने को ऐसा तरीका खोजना है जिसके जरिए हम लोग किसी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके, सॉल्यूशन तो होगा लेकिन अपने को समय बचाना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।